हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें किसी ने लिख रखा था कि आप बुकरम कपड़े के अंदर कैसे डालते हो, क्या यूज़ करते हो, उसकी भी वीडियो बना के डालो। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बुकरम कट की है, जो 12.5 इंच की इसकी लंबाई है और चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। तो इस तरीके से मैंने बुकरम कट किया है और एक कपड़ा लिया है, इसको एक तरफ से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। दूसरी तरफ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। इस तरीके से इसे उल्टा रखना है। इसके ऊपर हमारे जो पोंचा बनाने का कपड़ा है उसे इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। आपको अगर सीधा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से लाइन बना लीजिए इसके ऊपर। तो इसको इसके ऊपर रख के इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने नीचे की तरफ निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, इसके किनारे पर। देखिए, इस तरीके से इस पर हमें सिलाई लगाते रहना है। कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, सिलाई करके कंप्लीट हो चुका है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो देखिए, ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इनके बीच में जो ये मैंने जिगजैग टाइप से बनाया है, ये भी मैंने बना के तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इनमें सीधी लाइन भी बना सकते हैं। अब इस पर हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बीच की तरफ से हमें डिज़ाइन ड्रॉ करना शुरू करना है। तो मैं बीच में एक बड़ा सा फ्लावर बना रही हूँ। इस तरीके से एक फ्लावर बना लेना है। ये देखिए, ये फ्लावर कंप्लीट है। यहाँ से हमें पत्तियाँ बनानी है। तो सबसे पहले मैं 2 पत्तियाँ बनाऊँगी नीचे की तरफ, और ऐसे ही हमें ऊपर की पत्तियाँ बनानी है। अगर आप सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, डिज़ाइन भी हमने कम्प्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और आपको अगर मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर कोई और डिज़ाइन भी लाना है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से इस डिज़ाइन के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले हमें जो ये फ्लावर बनाया है इसकी पत्तियां तैयार करनी है। हार्ट शेप में इसकी पत्तियाँ बनाई है मैंने, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो पत्तियां हैं उनको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, इस तरीके से सबसे पहले हमें पत्तियों को तैयार कर लेना है अच्छे से। ऐसे ही हमें दूसरे को भी तैयार कर लेना है। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ऊपर की जो बड़ी पत्ती बचती है उसे हमें तैयार करना है। तो देखिए, ये भी लगभग हमारी कंप्लीट हो ही चुकी है। अब इनके बीच में हमें सिलाई लगानी है। तो हमें इनके बीच में एक सिंगल सिलाई देनी है इस तरीके से। तो ये देखिए, बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमें पूरा पोंचा है उसे तैयार करना है। तो देखिए, सेम इसी तरीके से हम आगे पूरा पोंचा तैयार कर लेंगे। तो पोंचा बनके तैयार हो चुका है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। Thank you for watching.